नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में लेकर हाजिर हूं जगन्नाथ यात्रा से जुड़े कुछ रोचक तत्वों की जानकारी। तो अगर आप जगन्नाथ यात्रा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इस सबके पीछे अपने अपने भक्तों की, अपने अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय, अलग अलग मत शामिल हैं। लेकिन हम बात करें एक आधुनिक मत के अनुसार क्या कहा जाता है। कहा यह जाता है कि रामचंद्र देव ने यवन काल में एक यवन महिला से विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। ऐसे में उनका मंदिर में प्रवेश करना निषेध हो गया और फिर ये यात्रा उन्हीं के लिए निकाली जाती है, क्योंकि वे जगन्नाथ जी के एक बहुत ही बड़े भक्त थे। जबकि वहीं अगर बात की जाए रथ यात्रा के पौराणिक मतों की, तो वो कुछ अलग है, उसकी एक अलग कहानी है, उसका एक अलग तथ्य है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बता रही हूँ। कहा जाता है कि पौराणिक समय में स्नान पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ यानी श्री जगन्नाथ पुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ रतन सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बड़े से स्नान मंडप में लेकर जाया जाता है और वहां पर 108 शाही कैलाशों से उनको स्नान कराया जाता है। तो वही मान्यता यह भी है कि इस स्नान से प्रभु जी जो हैं वो बीमार हो गए थे, उन्हें बुखार हो गया था और तभी 15 दिनों तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओशर घर कहते हैं। तो वहीं इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा और कोई भी नहीं देख सकता था। तो इस दौरान मंदिर के महाप्रभु के प्रतिनिधित्व अलानाथ जी की प्रतिमा यानी उनकी एक मूर्ति को बनाकर उनकी स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना की जाने लगी। फिर जब 15 दिन बाद जब भगवान निरोग होकर स्वस्थ होकर अपने कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने भक्तों को दर्शन दिया, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी इन सभी लोगों के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर का भ्रमण करते हैं। तभी से ये 15 दिनों की रथ यात्रा शुरू की गई। अब इसके बाद इस माह यानी इस साल 2022 में जगन्नाथ यात्रा कब से शुरू हो रही है, तो हम आपको बता दें कि ये जगन्नाथ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। और जो ये जगन्नाथ यात्रा है ये पूरी होने वाली है 12 जुलाई को। जी हाँ, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जगन्नाथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है और इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर इन्हें निकाला जाता है। इन 3 लकड़ियों के रथों में इसमें सबसे पहला रथ भगवान जगन्नाथ का, दूसरा भाई बलराम और तीसरा बहन सुभद्रा का होता है। और ये 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। यहाँ पर जाने के लिए पूरी में इसका जो है आयोजन होता है हर साल और बड़े ही धूमधाम से इस यात्रा को जो है मनाया जाता है। 1 जुलाई दोपहर 2:30 यानी कि 2:30 से 3:30 तक जो है इसका रथ यात्रा जो है वो शुरू होता है। और इसके बाद जो है 9 जुलाई यानी रथ यात्रा की जो वापसी है इस साल 2022 में वो 9 जुलाई को है, जो गुड़ीचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा मंदिर से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा 9 जुलाई को निकलेंगे, उस दिन ही वापसी यात्रा शुरू होगी। फिर 10 जुलाई को तीनों रथ 10 जुलाई को मंदिर के सिंह द्वार पर पहुँचेंगे, देवशायनी एकादशी पर भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए सोना वेश रस्म की जाएगी, इसमें इनको स्वर्ण आभूषण पहनाया जाता है। फिर 11 जुलाई को अधरपना भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी को पिलाया जाता है। अधरपना पूरी के कुएं से निकाले गए पानी, मक्खन और पनीर, शक्कर, केला, जायफल, काली मिर्च और अन्य मसालों को डालकर बनाया जाता है, जिसे हमारे जो बलभद्र जगन्नाथ और सुभद्रा जी हैं उन्हें पिलाया जाता है।
फिर 12 जुलाई को देर रात में नीलाद्री विजय रस्म होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी को श्री मंदिर के गर्भगृह के रतन सिंहासन पर पुनः विराजमान कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ को फिर से उनके सिंहासन पर विराजमान कराया जाएगा। इसके साथ ही यात्रा की समाप्ति हो जाएगी। इन सब में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो तीनों रथ हैं, भगवान जगन्नाथ जी का और सुभद्रा जी का और हमारे बलभद्र जी का, उनका अलग अलग नाम भी है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष जो सबसे ऊंचा 45.6 फीट का, उसके बाद बलराम जी का रथ तालध्वज रथ 45 फीट का, और उसके बाद बहन सुभद्रा का रथ दर्प दलन 44.6 फीट का होता है। तीनों रथों का रंग भी अलग अलग होता है। तालध्वज रथ का रंग लाल और हरा होता है, दर्प दलन काले और लाल रंग का होता है, वहीं नंदी घोष पीले और लाल रंग का होता है। मान्यता है कि जब तीनों रथ यात्रा के लिए सज संवर कर तैयार हो जाते हैं तो फिर पूरी के राजा गजपति की पालकी आती है और फिर रथों की पूजा की जाती है। इस पूजा को पारंपरिक भाषा में छरपहनरा कहा जाता है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथ रथ यात्रा की एक छोटी सी अपडेट। अगर आप इससे जुड़े और भी अपडेट जानना चाहते हैं तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल मोक्ष पर, जहाँ पर हम आप सभी के लिए ऐसी ही रोचक तथ्य वाली कहानियाँ लेकर मौजूद रहेंगे।